है छांटना, यानी चीजों को साथ साथ रखना। तो ये कुछ पहली चीज, पहला चित्र आप देखिए, उसमें बहुत सारे फलों के चित्र बने हुए हैं, केला है, सेब है, और भी कई सारे फल बने हुए हैं। तो वो आप जानते हैं छांटना मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से बच्चों के इसका अभ्यास करने का मौका घर में मिलता है जब हम सब्जियां खरीद कर लाते हैं या दूसरी कुछ चीजें हम खरीद कर लाते हैं, और बच्चों से कहते हैं उसमें से अमुक चीजें आप निकाल दो, उसमें से इस रंग की चीजें आप निकाल दो, या और भी कोई हमारे पास आधार हो सकते हैं। और जब हम बच्चों के साथ ऐसी बात करते हैं तो आप पाते हैं बच्चा उस तो बहुत मजे के साथ करता है। तो गणित की एक ये अवधारणा है जिसको हम सामान्य या बोलचाल के शब्दों में छांटना कहते हैं या साथ साथ रखना कहते हैं। गणित की भाषा में इसे हम वर्गीकरण या समूहीकरण भी कह सकते हैं। मैंने वो शब्द यहाँ लिखे नहीं है ताकि आपको उसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, लेकिन आप चाहे तो उसे वर्गीकरण कह सकते हैं या समूहीकरण कह सकते हैं। हम विस्तार से समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। दूसरी एक अवधारणा है, वो है क्रम से जमाना। आप देखिए पिक्चर को बड़ा करके एक बच्चे का चित्र दिखाई पड़ रहा है, उस सामने बहुत तरह की चीजें रखी हुई है, कुछ चम्मच है, कुछ पाइप नुमा चीजें हैं, कुछ आकृतियां स्टार की बनी हुई है, पीछे कुछ और चीजें रखी हुई हैं, उनको बच्चे ने खास क्रम से जमाया है। तो क्रम से जमाना दूसरी अवधारणा है जिस पर हमको बच्चे के साथ काम करना चाहिए। और तीसरी अवधारणा है एक से एक मिलाना, जिसको हम एक एक संगतता या एक एक संगति के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप देखिए इस चित्र में कुछ बॉल हैं और कुछ बैट के चित्र हैं। यदि हम बच्चे से पूछें कि बॉल ज्यादा है कि बैट ज्यादा है, तो बच्चा यदि गिन के बता सकता है, तुलना कर सकता है, तब बताएगा। लेकिन हम गिनने के पहले की बात कर रहे हैं। अगर बच्चे ने वस्तुतः गिनती को नहीं सीखा है तो भी वो तुलना करके बता सकता है। हर बैट के साथ एक बॉल को जोड़ दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि जो बॉल है वो एक बॉल ऐसा बच जाता है जिसके साथ कोई बैट नहीं है। तो इसके आधार पर बच्चे अपने सामान्य समझ के आधार पर बता सकते हैं कि बॉल जो है वो अधिक है और बैट कम है। तो ये दो तीन अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, और फिर धीरे धीरे हम ये समझ बनाएंगी बनाएंगे कि गिनती सीखने से इसका क्या संबंध है। चलिए दूसरी स्लाइड पे हम बात करते हैं। स्नेहा जी दूसरी स्लाइड सामने रखिए। क्या माइक म्यूट कर ये ले? छांटना यानी वर्गीकरण करना या समूह बनाना, इसमें कुछ खास खास बातें हैं, उसको हम यहाँ पर देख लें और फिर उसके बाद जो चित्र दिया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। समूह बनाने का कोई आधार ये कसौटी चुनना और पूरी प्रक्रिया में उसे बनाए रखना। यदि बच्चा यह काम कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने कुछ उदाहरणों में या कुछ मामलों में छांटने या वर्गीकरण की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली है या विकसित करने की प्रक्रिया में है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही, समूह बनाने का कोई आधार या कसौटी चुनना, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फल रखे हुए हैं जो अलग अलग रंग के हैं, और बच्चे से हम कहें कि जो फल लाल रंग के हैं उन्हें आप अलग करो, जो फल हरे रंग के हैं उन्हें आप अलग करो, जो लंबे फल हैं उन्हें अलग करो, ये गोल फल हैं उन्हें अलग करो। तो ये जो लंबा होना, गोल होना, लाल रंग का होना या हरे रंग का होना, ये ही हमारे आधार है जिसके आधार पे कुछ वस्तुओं में बच्चे समानता ढूंढते हैं या भिन्नता भी ढूंढते हैं। दो अलग अलग प्रकार की चीजों की जब तुलना करेंगे तो वो भिन्नताओं पे बात करेंगे, और यदि एक जैसी चीजों पे बात करेंगे तो वो उनमें समानता ढूंढेंगे। तो दूसरी बात है यह क्षमता छाट दाहिने हाथ तरफ जो चित्र दिया हुआ उसको गौर से आप देखिए। यहाँ पर एक डलिया जैसी एक चीज है, उसमें बहुत अलग अलग रंग की मनके या मोतियां रखी हुई हैं, और उनका वर्गीकरण करके दिखाया गया। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि जो पहला वर्गीकरण है ऊपर बाई तरफ, उसमें हरे रंग के मोती अलग हैं देखिए और लाल रंग के, ऑरेंज रंग के जो मोती हैं, नारंगी रंग के मोती अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो कसौटी है, ये जो आधार है एक साथ रखने का चीजों का या वर्गीकरण करने का, वो रंग है। दूसरे में आप देखिए
शेप लिखा हुआ है, उसका आकार साइज क्या है, उसकी उसकी आकृति कैसी है। तो हालांकि सभी गोल आकृति के हैं, कुछ लंबी आकृति वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ छोटी भी हैं। तो यहाँ पर जो चित्र यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो शेप के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। यहाँ पर चित्र बहुत छोटा है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ गोल हैं, कुछ लंबे से हैं, कुछ घनाकार हैं। तो ये शेप के उसकी आकृति के आधार पर उन्होंने इसको अलग करने की कोशिश की है। तीसरा चित्र आप देखेंगे, साइज को उन्होंने आधार बनाया है, मतलब वस्तु का आकार। शेप तो सबका एक जैसा है लेकिन उनके साइज अलग अलग है। सारे जो मनके हैं, सारी मूर्तियां जो हैं वो एक ही साइज की गोल दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कुछ जो नीचे की तरफ समूह रखा है उसमें आप देखेंगे सबसे छोटी साइज के मोती हैं, ऊपर दाहिनी तरफ कुछ मीडियम साइज के मोती हैं, और बाईं तरफ जो समूह रखा हुआ है उनकी उनका उनकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं, जब हमने साइज को आधार बनाया तो हर ग्रुप में एक ही साइज की चीजें हैं लेकिन अलग अलग रंगों की चीजें हैं। जब हम रंगों के आधार पे विभाजन कर रहे हैं तब आपने देखा कि साइज अलग अलग थी, यहाँ पर कहीं छोटे मोती भी कहीं बड़े मोती भी हैं, लेकिन रंगों के आधार पर उनको उन्होंने अलग किया। साइज में आप गौर से देखिए, जो लार्ज लिखा हुआ है सबसे बड़े आकार बड़ी बड़े आकार की जो मोती हैं उनमें ऑरेंज भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है, और वैसी जो मीडियम साइज है उसमें ग्रीन कलर के मोती दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हमको आधार जो चुना गया है वो तीन आधार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक तो रंग है, दूसरा उसका आकृति है किस शेप के हैं, और तीसरा साइज है, आकार से है छोटा या बड़ा। और नीचे एक और उदाहरण आप देखेंगे, यहाँ पर भी रंगों के आधार पर कुछ चीजें अलग की गई हैं। पीले रंग की जो तश्तरी है या पीले रंग का जो घेरा है उसमें पीले मोती हैं, और चौकोन भी चौकोन शेप की आकृति भी दिख रही है। तो यहाँ पर उन्होंने रंगों का आधार बनाकर उस तरह की चीजों को अलग करने का प्रयास किया है। तो ये वर्गीकरण के कुछ छोटे से उदाहरण है। हम सचमुच की वस्तुओं के साथ कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, तो अभी हम पहले सैद्धांतिक रूप से इसको समझ लें, फिर हम इस पे गतिविधि भी आपके सामने रखेंगे। अगली स्लाइड दिखाएंगे, ये था छाटना या वर्गीकरण करना। इसके बाद जो दूसरी स्लाइड है उसमें दूसरी दक्षता पे आप देखेंगे, जिसमें हम क्रम से जमाने की बात करते हैं। नेहा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। हाँ चलिए साथियों, आपके सामने देखिए दूसरा स्लाइड है। यहाँ पर हमने क्रम से जमाना यानी अनुक्रम बनाना, ये दूसरी दक्षता है जो बच्चों के सामने हम रख सकते हैं। बच्चों के साथ इस पर बहुत तरह की गतिविधियां करा सकते हैं, और इसको हम समझने की क्रम से जमाना या अनुक्रम बनाना जो है उसमें क्या बातें शामिल हैं। इसमें कुछ खास चीजें यहाँ पर दो तीन बातें लिखी हुई हैं, इसे आप देख लीजिए। किसी नियम के आधार पर चीजों को क्रम से रखना, ये नियम आकार, रंग, वजन, लंबाई आदि के आधार पर हो सकते हैं। और एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बच्चे 5 से 7 साल की उम्र के हैं उनके लिए 3 या 4 चीजों तक ही अनुक्रम बनाना आसान होता है। यदि उनके पास आप यदि बहुत ज्यादा चीजें रखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इस काम को करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीजें हैं, अनुक्रम जो बना है उस पर दो तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। बाएं तरफ के चित्र में देखिए कि मोतियों को यहाँ पर रखा गया है और एक खास क्रम से है, जैसे बहुत स्पष्ट चित्र नहीं है, छोटा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसलिए काले रंग का मोती है, फिर नारंगी रंग का, फिर हरा है, फिर कुछ ब्राउन है, फिर पीला है, फिर उसी क्रम को दोहराया गया है, पीला फिर काला फिर ऑरेंज फिर ग्रीन हरा फिर उसके बाद ब्राउन फिर पीला। तो आप देख रहे हैं कि रंगों का एक क्रम है, उस क्रम को ध्यान में रखते हुए मोतियों को जमाया गया, और जब एक निश्चित जगह पर पहुंचते हैं उसका फिर से पहले वाले मोती से आरंभ करते हैं। पहला मोती पीले रंग का है, पीले के बाद शुरू होता है जो जाके ऑरेंज या मुझे ठीक तो रंग दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद पर्पल है, वहां पर जाकर खत्म होता है। तो ये 5 मोतियों को एक क्रम है, उसके बाद फिर से उन्हीं 5 रंगों के मोती को उसी क्रम में रखा गया है। तो क्रम से जमाने का एक अर्थ तो ये हुआ कि खास क्रम में हम चीजों को रखते चले जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 5 अलग अलग रंग के मोतियों का इस्तेमाल किया गया है,
और उनका एक सेट बनाने के बाद फिर से उसी रंग के उसी क्रम में सेट बनाया गया है। आप चाहें तो दो रंगों से भी इस काम को कर सकते हैं, तीन रंग से भी काम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरे चित्र में देखिए कुछ छड़ियां रखी हुई हैं, यहाँ पर पांच छड़ियां रखी हुई हैं और सबसे पहले बाईं तरफ जो है वो सबसे छोटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, अब आ रही है, म्यूट हो गया। ये अपने आप हो जा रहा है, आप जब भी ऐसा हो तो तुरंत मुझे रोक दीजिएगा। जी सर जी, ठीक है, बिल्कुल तुरंत रोकिए, मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे यहाँ पर। तो जैसे ही आवाज बंद होती है या पिक्चर नहीं आती तो मुझे तुरंत बताइएगा। जी सर, और एक तो सभी से ये कहना था कि 8 मिनट के बाद से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये वाला सेशन, तो फिर से सब लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। जी सर, चलिए ठीक है। तो मेरी बात पता नहीं कहाँ पर से टूट गई थी। मैं छड़ियों के बारे में बात कर रहा था, जो स्लाइड आपके सामने उसमें कुछ छड़ियां रखी हुई है। इनमें आप देखिए कि सबसे पहले सबसे छोटी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी वाली जो छड़ी है वो रखी गई है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये जो क्रम छोटे से बड़े का है ये उल्टा भी हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे बड़ी छड़ी को रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो ये एक छड़ी की लंबाई के आधार पर एक खास क्रम बनाया गया है, इस क्रम को आप उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर पांच छड़ियां रखी गई हैं। अब आपको करके देखना होगा कि आपके साथ जो बच्चा काम कर रहा है वो तीन तक कर पाता है कि चार तक कर पाता है या उसे आगे दिक्कत होती है। दाहिने हाथ में कुछ और चित्र दिए हुए हैं। आप देखिए कि सबसे पहले वस्तुएं थी, कुछ मोती वगैरह थे जिसमें बच्चा वस्तु सामने रखकर काम कर सकता है। फिर उसके बाद छड़ी का चित्र है और तीसरे में जो चित्र है वो ज्यामिति आकृतियों से संबंधित है। ऊपर वृत्त है, फिर बेलन है, फिर सितारे की आकृति बनी हुई है, फिर घन की आकृति दी हुई है। ये सारी के सारे चीजें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है या अमूर्त चीजें हैं। तो धीरे धीरे हम इस क्रम की तरफ भी आगे बढ़ेंगे कि क्या बच्चा अमूर्त चीजों के साथ भी काम कर सकता है या चित्रों के साथ काम कर सकता है, क्या वहां पर छोटे बड़े की बात कर सकता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। चित्रों पर काम करने के पहले ज्यादा अच्छा है कि आप वस्तुओं के साथ काम करें, क्योंकि वस्तुओं को बच्चा छू सकता है, उठा सकता है, देख के उसके बारे में कुछ निर्णय ले सकता है, उस पर विचार कर सकता है। तो चित्रों पर काम करने के पहले बच्चों के साथ बार बार हम वस्तुओं के साथ काम करें। ऐसी चीजें हमारे आसपास बहुत सारी मिल सकती हैं जिनसे आप ये ऐसे क्रम बना सकते हैं। दूसरी बात जो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि ऐसा करते समय बच्चे के साथ बात करिए, बच्चे को भी बात करने का मौका दीजिए। इससे गणित की जो बहुत सारी शब्दावली है जिसका उपयोग वो अपने घर में भी करता है, अपने जीवन में भी करता है और फिर धीरे धीरे क्लासरूम में भी करने की आदत पड़ती है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, सबसे भारी, सबसे हल्का, इससे भारी, इससे लंबा, उससे छोटा। तो ये जो तुलनात्मक भाषा के शब्द हैं उसका उपयोग किसी संदर्भ में करने के बारे में बच्चा अभ्यास कर पाता है और समझ के वो इस तरह की भाषा को अपने रोज की भाषा में शामिल कर पाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत होती है जब गणित की भाषा को अपने जीवन की भाषा का हिस्सा बनाना शुरू करता है बच्चा और एक समझ के साथ समझता हुआ उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसे मौके इन गतिविधियों से बच्चे को बार बार मिलते हैं। आगे देखें, तीसरी स्लाइड जो है वो एक एक संगति से संबंधित है, वो भी आपके सामने हम लेके आते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। जो एक एक संगतता है, नेहा जी, जी सर, कल आगे के स्लाइड सामने रहेगा। ये जो स्लाइड है वो एक एक संगतता से संबंधित है। इसमें भी आप देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, एक से एक मिलाना यानी एक एक की संगति, इसको हम गणित की भाषा में एक एक संगतता
या एक एक की संगति भी कहते हैं, वन टू वन करस्पोंडेंस कहा जाता है इसको। तो ये जो दक्षता है ये गिनती के लिए बहुत ही आवश्यक क्षमता है। आप देखेंगे जब हम चर्चा करेंगे गिनती के साथ, गिनती माने क्या, गिनती करना माने क्या होता है, तब आप देखेंगे कि एक एक संगतता जो है वहां पर किस प्रकार से उपयोग में आती है। यहाँ पर हम समझे कि गिनने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जोड़ियां बनाना गिनने से आसान क्रिया है। अभी इसके पहले हमने आपके सामने एक बात रखी थी, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उसमें आपने देखा था कि बैट और बॉल की तुलना की थी, तो वहां पर वो एक्चुअल में एक एक संगतता से संबंधित चित्र था जो वहां अटैच हो गया था। उसमें आप देख रहे थे कि यदि बच्चे को गिनना नहीं आता कि बॉल कितने हैं और बैट कितने हैं, तो वो तुलना कर सकता है, इस बैट के लिए ये वाली बॉल है, इस बैट के लिए ये वाली बॉल है, और आखिरी में एक बॉल ऐसी बच जाती है जिसके लिए कोई बैट नहीं है। तो वहां पर बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर जो समूह है बैट्स के और बॉल के, वहां पर बॉल अधिक है बैट कम है। यहाँ पर देखिए कुछ भौरे के चित्र हैं, ततैये हैं शायद, और उनके नीचे कुछ फूल हैं। अब आपसे हम आप यदि बच्चों के साथ पूछें कि दोनों में किसकी संख्या ज्यादा है, क्या फूल ज्यादा है या ततैये ज्यादा है, ये ऐसा भी कह सकते हैं क्या ततैया अगर फूलों में बैठना चाहे तो हर ततैया एक फूल हर फूल अलग अलग फूल पर बैठ सकती है, क्या ततैयों की संख्या के आधार पर फूलों की संख्या है, क्या फूलों की संख्या पर्याप्त है कि सभी ततैये बैठ पाए, इस तरह की बातचीत बच्चों के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो पिछली बार मैंने आपसे बताया कि थोड़े बहुत सारे, इससे कम उससे ज्यादा और बराबर जैसे शब्दों के अर्थ भी बच्चा समझ के आगे जा सकता है। तो दूसरा सेट चित्र देखिए, टेडी बियर का चित्र है और उसके सामने दो कटोरे रखे, कटोरे में कुछ खाने की चीज रखी हुई है। अब बच्चे से आप पूछिए कि जो तीन है तीनों के लिए खाने की सामग्री वहां पर मौजूद है क्या, तो बच्चे बहुत आसानी से देख के बता देंगे कि नहीं, सबके लिए नहीं है, एक एक ऐसा टेडी बियर है जिसके खाने के लिए कटोरी वहां पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से तुलना करना ये एक एक संगतता से संबंधित है। तो ये कुछ तीन अवधारणाएं हैं, इन पर हम थोड़ी सी गतिविधियां करना चाहेंगे और अब देखेंगे कि कितनी आसान चीजें, कितनी आसानी से हम ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिसमें बच्चा शामिल हो सकता है और बातचीत कर सकता है, अपने अनुभव जो उसने अपने बचपन से लेके स्कूल आने तक सीखे हुए हैं उनका वो उपयोग कर सकता है, भाषा के, गणित की भाषा के नए नए शब्दों का वो इस्तेमाल कर सकता है। तो कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने अब आएंगी। स्नेह जी, हमारे पास कितना समय बच्चा है थोड़ा बताएंगे? सर हमारे पास एक मिनट बचा है। अच्छी बात है, तब तक मैं अपने मोबाइल को सेट करता हूँ गतिविधियों के लिए और आप इसको अपने साथियों के से जोड़ के रखें और इस बीच में यदि कुछ उनके प्रश्न हैं तो वो कलेक्ट कर लीजिए। जितने भी शिक्षक साथी है, आवाज आ रही है मैडम? जी सर। अच्छा जी, अच्छा अमर अमर प्रदीप लकड़ा जी, आपका माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। कमलेश खांडेल सर जी, माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पंखे की आवाज वगैरह सब आ रही है। तो हाँ, तभी आप लोगों ने देखा कि आदरणीय श्रीवास्तव सर जी बता रहे थे कि गणित का मतलब केवल गिनती गिनना ही नहीं होता है। हम बच्चों को तो आप सभी देख सकते हैं, हेलो सर, जुड़ चुके हैं क्या मैडम? जिन साथियों को स्क्रीन जो है, अगर आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये जो स्क्रीन से दिखाई दे रहा है, और रोटेट को आप ऑफ कर दे दी
तो आपको ये पूरे मोबाइल पे जो स्क्रीन शेयर है वो दिखाई देगा, तो यही चित्र आपको बड़े बड़े फॉर्म में दिखाई देंगे। तो सभी शिक्षक यदि आप जानते इस बात को बहुत भली भांति तरीके से, तो ये जो चित्र छोटा दिखाई दे रहा है या तो उसको दो उंगली से जूम करके भी देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, या फिर यदि मोबाइल को यदि हम रोटेशन हमारा ऑन कर दें और फिर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में रखें, क्षैतिज दिशा में रखें, तो निश्चित रूप से पूरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता है चित्र। तो फिर आप बहुत बड़े बड़े चित्र देख सकते हैं मोबाइल पे भी, बहुत अच्छा मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से सर तुलनात्मक रूप से वर्गीकरण और तुलना के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर ये समझ विकसित हो कि हमें बच्चों को गिनती सिर्फ एक से शुरू नहीं करना है, बल्कि पहले उनको वर्गीकरण तुलना करना सिखाना, वर्गीकरण करना ऐसे कुछ सिखाना है, समूह बनाना सिखाना, भेद करना सिखाना। तो मेरे ख्याल से मैं जुड़ गया हूँ। जी सर, सर पुनः आपका स्वागत है सर। थैंक यू संजय, ये वीडियो ऑन करेंगे जरा मेरी तरफ से स्क्रीन पर। जो स्लाइड दिख रही है उसे हटा दे। साथियों, अभी हमने कुछ चर्चाएं की थी, उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी गतिविधियां जो बहुत आसानी से हो सकती हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं उनका उपयोग करके हमें सारी गतिविधियां बहुत अच्छे से करा सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शायद कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ सब्जियों के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ, तो वो उसमें देखिए, अक्सर ऐसी चीजें हमारे घर में सभी के मौजूद होती हैं, और इस प्रकार की चीजें जब हमारे आसपास हैं तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि इनकी मदद से आप वर्गीकरण की गतिविधि कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चीजें हैं, हो सकता है कि आपके झारखंड में इनके कुछ और अलग अलग नाम होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। टमाटर है, भिंडी है, करेला है, मिर्च है, ये चार चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। अब बच्चों से हम कई ढंग से बात कर सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं जो चीजें लंबी हैं उनको आप अलग करो। तो जब लंबी चीजों की बात आएगी तो हम देख रहे हैं कि भिंडी और मिर्च जो है वो लंबाई का डायमेंशन अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो उनकी तरफ बच्चे का ध्यान जाएगा। या हम कह सकते हैं कि हरे रंग की चीजों को अलग करो, तो हरे रंग की चीजों को अलग करने की जब बात करनी होगी तो क्या करेगा वो, सारी सब्जियों को, करेले को भी, मिर्च को भी और भिंडी को भी अलग कर लेगा, और फिर जो चीजें बच जाएंगी वो लाल रंग की चीजें बच जाएंगी, जो टमाटर है आप कह सकते हैं कि लाल रंग की चीजों को अलग करो, तो वो इस समूह में से लाल रंग की चीजों को अलग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे आसपास घरों में मौजूद होती हैं, और इसमें से हम बच्चों को अलग अलग करने या एक जैसी चीजों को साथ साथ रखने का वाला काम बहुत आसानी से करा सकते हैं। जैसे आप उन सब्जियों के नाम लेकर भी कह सकते हैं कि आप टमाटर अलग करके बताओ, आप भिंडी को इकट्ठा, भिंडी को एक जगह रखो, मिर्च एक जगह रखो, करेले को एक जगह रखो। तो आपको क्या लगता है, ये वाली गतिविधि बच्चा कर पाएगा? यदि वो ऐसा करता है तो हम समझेंगे कि बच्चा अपनी सामान्य गणितीय समझ के आधार पर एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर पाता है। वो उनमें ऐसे गुण देख पाता है जो उनमें तो है या उस तरह के समूह में है लेकिन दूसरे में नहीं है। जैसे टमाटर को हम अलग करने की बात करें तो जानता है कि ये जो चीज है वो टमाटर है, जो भिंडी से अलग है। भिंडी में एक तो रंग अलग है, दूसरा उसका आकार अलग है, इसका वजन भी अलग हो सकता है। एक टमाटर और एक भिंडी के वजन में फर्क होगा। तो इस प्रकार से कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दो चीजों को
या तो एक जैसा बना समझने में हमारी मदद करते हैं या उनके बीच के अलगाव को बता पाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक गुण बच्चे के अंदर होता है और उसका उपयोग करके वो बहुत सारे चीजों के समूह में से कुछ खास गुण वाली चीजों को आसानी से अलग कर पाता है। तो एक उदाहरण मैंने आपके सामने ये रखा, कुछ चीजें और आपके सामने रखता हूं। जैसे मैं मान लीजिए कुछ यहाँ पर कुछ पेंसिल रखता हूँ, कुछ पेन रखता हूँ, कुछ बैटरियां रख देता हूँ और कुछ शार्पनर जो पेंसिल छीलने के काम आते हैं ऐसी चीजें रख देता हूँ, ठीक है, और कुछ सिक्के रख देता हूँ। ऐसे आप कई तरह के समूह बना सकते हैं और इन सारे समूहों के आधार पर बच्चों को देखने में कह सकते हैं कि इसमें कैसी कैसी चीजें शामिल हैं ये बताओ। तो बच्चा देख के बता सकता है कि हाँ ये पेन है, क्योंकि ये सारी चीज उसके आसपास होती है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये सिक्के हैं, ये टॉर्च की बैटरी है या बैटरी सेल जो भी बच्चा कहता होगा, ये पेंसिल छीलने का उपकरण है जिसको हम शार्पनर कहते हैं, बच्चे की भाषा में ऐसा कुछ और भी नाम हो सकता है, तो वो इन चीजों को पहले से जानते हैं। तो ऐसी परिचित चीजें यदि उसके पास हैं और हम इसमें से उससे नाम लेकर कहें कि ऐसी चीज अलग करो जो वृत्त के जैसी है, या हम गोला तो नहीं कह सकते लेकिन बच्चा अपने बोलचाल में इस तरह की आकृति को वृत्तों को गोल के नाम से कहता है, इसमें से गोल चीजें आप अलग करो। हो सकता है वो सिक्के अलग करना शुरू कर दे, हो सकता है इस बेलनाकार चीज में भी उसको कुछ गोल की आकृति दिखाई पड़े, हो सकता है इसको भी करे। उससे आप कहें लंबी चीजों को अलग करो, तो हो सकता है वो बच्चा पेन और पेंसिल को एक जगह पर करना शुरू करे। तो कुछ गुण हमको चुनने पड़ेंगे और उन गुणों के आधार पर उसको हम कहेंगे कि चीजों को आप अलग करते जाओ, जो चीजें एक जैसी हैं उन चीजों को आप अलग करते जाइए। तो ये दूसरी एक्टिविटी है, आप इसको करा के देखेंगे तब आपको स्पष्ट होगा कि बच्चे इसे कर पाते हैं या इसे करने में ना कुछ कठिनाई होती है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। ये एक दूसरा उदाहरण आपके सामने मैंने देखा, कुछ चीजें और आपके पास कई तरह के अनाज घर में होते हैं, उन अनाजों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास से देखिए कुछ चीजें हैं, मूंगफली के दाने हैं, मूंगफली है छिलके सहित, कुछ लाई है, चना है, ऐसी कुछ चीजें हैं। इनमें भी आप कह सकते हैं कि जो एक जैसा है मूंगफली को अलग करो, मूंगफली के दाने अलग करो, चना अलग करो, जो लाई है वो अलग करो। तो आप बहुत आसानी से इस काम को बच्चे को करते हुए देख सकते हैं, मुझे लग रहा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये स्पष्ट रूप से। तो ऐसी चीजें बच्चों को दें और उनको ये काम करने दें। यदि घर में बच्चे लोग काम में मदद करते हैं, यदि माताएं घर में बच्चों को अपने काम में सहयोग लेती होंगी, तो देख आप देखेंगे बच्चे चावल बिनते हैं, चावल से कंकड़ निकालते हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे काम बच्चे करते हैं जो उनके जीवन के अनुभव में पहले शामिल होता है। तो कुछ ऐसी गतिविधियां बच्चे के सामने रखें जो वर्गीकरण की समझ को उनके अंदर विकसित करने में मदद करेगी, और धीरे धीरे आप उनसे खुद से कहें कि ये चीजें आप चुन के लाओ और बहुत तरह की चीजें चुन के लाओ और फिर उनको एक साथ मिलाओ, फिर उनको अलग अलग करो। ये काम आप कक्षा में बहुत मजे के साथ करा सकते हैं। बच्चों को कुछ कंकड़, कुछ खपरे के टुकड़े, कुछ तिनके, कुछ पत्तियां, कुछ फूल इकट्ठे करने के बोले और जब वो उन्हें चुन कर लाएं तो उनसे कहिए कि इन सबको मिलाओ और फिर चीजों को अलग अलग करो। तो देखिए बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ इसका उपयोग करते हैं। एक और बात कि बहुत बार चीजें हम उनके सामने उपलब्ध करा देते हैं कि ये सारी चीजें हैं, यदि हम बच्चों को मौका दें कि खुद से वो चीजों को चुन कर लाएं तो यहाँ पर भी उनकी गणितीय जो संकल्पनाएं विकसित होती हैं। ये बात मुझे बहुत ध्यान में आती है बार बार जब हम अपनी किताबों पर काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की किताबों पर, तो इस पर बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। एक जो समूह था वो कहता था कि चीजें बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर थे जिन्होंने गणित को सीखने में और किताबों को बनाने में हमारी बड़े बड़ी मदद की थी, उन्होंने बात कही कि बच्चा इसके पहले से भी उपयोग कर सकता है अपने नॉलेज का, जब वो चीजों को चुनता है, कंकड़ ही चुनता है, तो कंकड़ चुनते समय वो एक खास तरह के साइज वाले कंकड़ों को चुनता है, वो दूसरी चीजों को अलग करता है, तो वहीं से वो वर्गीकरण की बात सोचना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये बात उनकी बहुत अच्छी थी।
इसलिए हमने अपनी किताबों में बच्चों के लिए बात लिखी कि बाहर जाओ और चीजें चुन कर लाओ। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत आसानी से और मजे के साथ बच्चे करना चाहते हैं और यहाँ पर भी गणित का सीखना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ गतिविधियां थी जो वर्गीकरण से संबंधित थी। उसके बाद जो दूसरी बात है अनुक्रम बनाने से संबंधित, अनुक्रम बनाने में आप देख सकते हैं कई प्रकार के अनुक्रम बनाए जा सकते हैं। जैसे हम पेन और पेंसिल की बात करें तो हम पेन और पेंसिल का अनुक्रम बनाने की बात करें, मान लीजिए हमने एक पेंसिल रखी, फिर उसके बाद एक पेन रखा, फिर एक पेंसिल रखी, फिर एक पेन रखा, फिर एक पेंसिल रखी। अब आप बच्चे से पूछेंगे अब क्या करेंगे, तो बच्चे इसको ऑब्जर्व करेगा कि चीजें जो रखी जा रही हैं उसमें खास क्रम है। सबसे पहले एक पेंसिल है, फिर उसके बाद एक पेन है, फिर पेन के बाद फिर एक पेंसिल है, फिर से एक पेन है, फिर एक पेंसिल है। अब क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पर बच्चे को सोचने का मौका दीजिए और देखिए वो कर पाता है कि नहीं। तो ये एक बहुत आसान सा पैटर्न है, इसे आप दूसरी चीजों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ बैटरी है और कुछ मैं शार्पनर ले लेता हूं, मैंने एक शार्पनर लिया जो पेंसिल छिलने काम आता है, उसके बाद फिर मैंने एक बैटरी रखी, फिर एक और बैटरी रखी, फिर एक शार्पनर रखा, फिर एक बैटरी रखी, फिर एक बैटरी रखी और फिर से एक शार्पनर रख दिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे बच्चे को सोचना पड़ेगा कि अब क्या होगा। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है उसको कि पहले एक शार्पनर है, फिर बैटरी है, लेकिन बैटरी की संख्या एक से अधिक है, दो बैटरियां हैं, उसके बाद फिर शार्पनर है, फिर दो बैटरी है, फिर शार्पनर है, अब क्या होगा? तो पहले तो ये तय करना कि बच्चा ये बता पाए कि भाई आखिर कौन सी चीज शामिल हो रही है वहां पर। तो ये ढूंढ पाना कि चीज कौन सी रखी जाएगी। यदि वो कहता है बैटरी रखी जाएगी तो समझ जाइए उसने पहला काम कर लिया। फिर उसके बाद फिर यदि वो कहता कि नहीं दो बैटरी रखनी चाहिए, तब समझ जाएगी उसने पैटर्न की एक समझ बनाने की शुरुआत कर ली है। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ एक प्रकार के पैटर्न है जहां पर दो चीजें, दो विपरीत प्रकार की चीजें अलग अलग ढंग से रखी जा सकती हैं। ये काम आप फूल पत्तियों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ फूल ले लें, कुछ पत्तियां ले लें और उन्हें भी बच्चों के साथ क्रम से जमाने को कहें। और जैसे मान लीजिए हमने एक फूल रखा, उसके बाद एक पत्ती रख दी और फिर एक बार फूल रखा, फिर एक बार पत्ती रख दी और फिर से एक फूल रख दिया। इस तरह से कई प्रकार के पैटर्न बनाए जा सकते हैं जिनमें इनकी संख्याएं बदली जा सकती हैं, इनके रखने के ढंग को बदला जा सकता है और ऐसे पैटर्न बच्चे से बनाने के लिए कह सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका हो सकता है कि बच्चे से आप कहें कि तुम भी एक ऐसा पैटर्न बनाओ, लेकिन आपके पास तुम्हारे पास पत्तियां अलग हैं और फूल भी अलग हैं, लेकिन जैसा पैटर्न पहले बना है, जैसा क्रम पहले बना है, वैसे आप भी बनाओ। तो देखिए बच्चे को आप फूल दीजिए, वो फूल के नीचे फूल रखेगा, पत्ती के नीचे पत्ती रखेगा, फिर फूल के नीचे एक फूल रखेगा, फिर पत्ती के नीचे एक और पत्ती रखेगा, फिर फूल रखेगा, फिर पत्ती रखेगा, फिर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए कहिए। तो इस तरह से आप बच्चों के सामने जब समस्याएं रखेंगे, उनको काम करने के मौके देंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत आसानी से बता सकता है कि हाँ ये जो पैटर्न था उसमें फूल फिर पत्ती फिर फूल फिर पत्ती थी फिर फूल था, और उसने उसका अनुकरण किया और फिर फूल की जगह पर फूल, पत्ती की जगह पर पत्ती, और इस तरह से आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आगे आप पूछ सकते हैं कि अब क्या होगा, तो यहाँ पर वो बता सकता है कि यहाँ पर फूल रखा जाएगा लेकिन यहाँ पर पत्ती रखी जाएगी, और पत्ती ये नहीं होगी जो नीचे रखी जा रही, उसकी पत्ती इस प्रकार की होगी। तो इसमें हम बहुत सारे प्रश्न बच्चों के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर पत्ती रखने के बजाय अगर फूल रखना चाहें, जैसे यहाँ पर एक पत्ती आई और एक फूल आया, तो हम कहें कि नहीं यहाँ हम फिर से एक पत्ती रखना चाहते हैं। अब बच्चे से पूछें क्या हम पत्ती रख सकते हैं यहाँ पर, देखिए वो क्या जवाब देता है। हो सकता है वो सोचे कि पत्ती रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और यदि कहता है कि रखना चाहिए तो आप उसको और सोचने का मौका दें, यहाँ पर क्या क्रम है, क्या वो क्रम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। इस तरह की बातचीत से उसे इस बात की समझ बनाने में मदद मिलेगी कि वो जो क्रम उसने सीखा है
उसमें छुपे हुए नियम को या तर्क को पहचान पा रहा है कि नहीं, और यदि बताता है कि नहीं यहाँ पर पत्ती की जगह पर फूल रखा जाना चाहिए, अब ये वाला फूल रख के देखिए, हो सकता है बोले नहीं यहाँ ये वाला फूल नहीं रखना होगा, यहाँ पर हम इस फूल को रखेंगे, तो आप पूछ सकते हैं इस फूल को क्यों रखना चाहते हैं। अब उसका जो जवाब होगा वो उसके अंदर चल रहे तर्क को आपके सामने रखेंगे, वो बता पाएगा कि ऐसा क्यों करना है, मुझे इस कनेर के फूल की जगह सदाबहार का फूल क्यों रखना चाहिए, ये आपके सामने बात रख सकता है। तो जो अनुक्रम बनाना है या चीजों को क्रम से जमाना है उसके पीछे एक तरीका तो ये हुआ, दूसरे तरीके से भी हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार जब वीडियो देख रहे तब आपसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पर साइज का उपयोग कर सकते हैं, उनके वजन का उपयोग कर सकते हैं, उसके आकार का उपयोग कर सकते हैं और हम क्रम बना सकते हैं। जैसे पत्तियों के बारे में देखिए कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पत्तियां हैं जो अलग अलग आकार की हैं, तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि आप सबसे बड़ी पत्ती सबसे पहले रखो। तो देखिए दो तरह की बात आ रही है, हम कह रहे हैं सबसे बड़ी पत्ती, तो हम गणित की भाषा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा आकार की बात हो रही है, इन सारी पत्तियों में जो सबसे बड़ा है उसे रखो। तो ये सबसे बड़ा जो शब्द है और उसकी जो समझ है वो इन पत्तियों को देखकर अनुमान लगा पा रहा है कि इन सारी पत्तियों में सबसे बड़ी पत्ती ये है, तो वो चुन पाना और फिर उसके बाद रख पाना, ये उसके अंदर एक खास तरह की क्षमता विकसित करती है और अवधारणात्मक समझ भी और उसके साथ साथ भाषा का भी विकास करती है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इससे जो छोटी पत्ती है उसे आप रखें, हो सकता है वो इस पे हाथ लगाए या इस पे हाथ लगाए, हो सकता है वो इस पे हाथ लगाए। अगर वो इसको चुनता है और रखता है कि इससे छोटा ये है, तो आप समझ जाइए कि वो इसकी अवधारणा इनके और इनके साथ मैच करके बना रहा है, वो देख रहा है ये जो पत्ती है वो इससे ठीक छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, तो इसके बाद इससे छोटी पत्ती की जगह पर इस पत्ती को रखा जा सकता है। फिर इसके बाद हम कहें कि अब इससे छोटी पत्ती, इस जो पत्ती इससे छोटी उसे रखो, अब उसके सामने चुनने के लिए दो पत्तियां हैं, अब देख रहा है कि ये पत्ती भी इससे छोटी है और ये वाली पत्ती भी इससे छोटी है, लेकिन जो इससे छोटी है वो सबसे छोटी पत्ती से बड़ी है, तो तीसरी जगह पर वो इसको रखेगा। अब हम कहेंगे अब क्या करोगे, अब निश्चित रूप से बच्चा इसको रखेगा, तो आप पूछ सकते हैं इस पत्ती को आपने यहाँ क्यों नहीं रखा, तो अगर वो इसका जवाब अपनी भाषा में देता है कि ये तो सबसे छोटी पत्ती है और ये पत्ती इससे बड़ी है इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ, और भी कई तरह की बातें आ सकती हैं, इसकी हम केवल यहाँ पर बैठकर कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब आप सचमुच बच्चों के साथ काम करेंगे इन सब चीजों को लेकर के, तब बहुत अद्भुत चीजें निकल के आएंगी, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बच्चे कितनी गहरी समझ रखते हैं इन सब चीजों की। तो एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर ये मैंने रखा कि सबसे बड़ी पत्ती पत्तियों को उनके आकार के क्रम में जमाना, जो वीडियो जो स्लाइड आप देख रहे थे उसमें जो सारी की सारी आकृतियां थी वो छोटे से बड़े के क्रम में थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम बड़े से छोटे क्रम में जमा रहे हैं। ये जो क्रम है दोनों तरफ चल सकते हैं, अगर इससे बड़ी पत्ती मौजूद होती तो बच्चा इसको इधर भी एक बड़ी पत्ती रख के आपके सामने बता सकता था कि इससे बड़ी पत्ती मेरे पास मौजूद है। इस काम को हम अलग अलग बहुत तरह की चीजों के साथ कर सकते हैं, मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं, उनमें से मैं देखता हूँ जैसे एक ताला है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो घर में हमारे आसपास मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों से जमाने को कहें कि ये ताले हमारे पास रखे हुए हैं, चार ताले हैं और इसमें हम सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में इसको जमाना चाहेंगे, तो इसके लिए हमको चुनना होगा सबसे छोटा ताला कौन सा है। बच्चे को ये समझ विकसित होने दें, हम कह रहे हैं सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में सबसे आखिर में, ये हमने बच्चे के सामने एक परिस्थिति रख दी कि इस क्रम में इन तालों को जमाना है। अब देखिए क्या करता है वो, आप निश्चित रूप से पाएंगे कि वो हो सकता है सबसे पहले इसको उठा ले क्योंकि सबसे छोटा ताला ये है, यदि वो इसके बारे में बात करता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमको सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है, क्या ये ताला सबसे छोटा है या इससे भी छोटा कोई ताला है, तब वो फिर इन दोनों की तुलना करेगा और पाएगा कि नहीं ये छोटा तो दिख रहा है बाकी की तुलना में लेकिन इससे भी छोटा ये है और ये बड़ा है इससे, तो जिसको हम छोटा कह रहे थे वो इनसे और इनसे तो छोटा है लेकिन किसी एक से बड़ा है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जो छोटे और बड़े की अवधारणा है वो सापेक्ष अवधारणा है, कोई चीज
अपने किसी समूह में सबसे बड़ी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीजें मौजूद हैं। तो किसी चीज का बड़ा या छोटा होना, हल्का या भारी होना, लंबा या लंबाई में कम होना, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सापेक्ष कौन सी दूसरी वस्तु रखी हुई है। उससे तुलना करके ही हम उसे बड़ा छोटा, हल्का भारी, मोटा मोटा पतला, ये कह सकते हैं। तो ये जो तुलनात्मक गतिविधि है वो सापेक्ष गतिविधियां होती हैं। ये गुण भी बच्चों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये एक दूसरी चीज है, इसे आप छोटे से बड़े क्रम में जमा सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में जमा सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान बच्चों को बात करते रहने देना जरूरी है। उसकी बातचीत को आप गौर से सुनिए। वो अपनी बातचीत अपने साथियों के साथ कर सकता है जिनके साथ मिलकर काम कर रहा है, वो बातचीत वो आपके साथ भी कर सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें कक्षाओं में ये संपादित हो। बच्चा अपने घर पर भी इन पर काम कर सकता है। जो आप माता पिता हैं वो भी बच्चों के साथ इन चीजों पर काम कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ जो अनुक्रम बनाने से संबंधित था। तीसरी बात है एक एक संगतता की। मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं लेकिन उन सब पे गतिविधि कराना मुझे नहीं लगता कि बहुत आवश्यक है। ये चीजें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, नमूने के तौर पर आपके सामने हैं। और इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां आप अपने आसपास की चीजों को उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे अभी जो आप चित्र देख रहे थे जिसमें एक एक संगतता की बात कर रहे थे, मेरे पास कुछ चम्मच हैं और कुछ प्लेट्स हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी प्लेट्स हैं और कितने चम्मच हैं। मान लीजिए इतनी प्लेट्स हैं और ये चम्मच हैं। इनको मैं फैला के रख देता हूँ यहाँ पर, और कुछ चम्मच भी हैं यहाँ पर, ये मैंने रख दिए। अब बच्चों से कह रहे हैं कि हमारे घर में भाई मेहमान आने वाले हैं और सबको हमें कुछ खीर परोसनी है या कुछ और परोसना है। अब बताओ कि जितनी कटोरियां हैं या जितनी प्लेट्स हैं उतने चम्मच हैं क्या, या सारी प्लेट में एक एक चम्मच रखा जा सकता है, या क्या चम्मच की संख्या प्लेट की संख्या से ज्यादा है या चम्मच कम है प्लेट ज्यादा है। इस तरह के प्रश्न हम बच्चे के सामने रखें और उसे जवाब देने के लिए प्रेरित करें। हमें ध्यान है कि बच्चा भी गिनना नहीं जानता, क्योंकि सारी की सारी चीजें बच्चे के गिनना सीखने के पहले हो रही हैं। हो सकता है बच्चा 5 तक गिनती जानता हो, गिनकर भी आपको बता दे, लेकिन फिर भी जो एक एक संगतता की बात है, एक और एक की संगति है, उसके लिए एक छोटा सा जो काम आपके सामने हो रहा है वो जरूर कराएं उसके साथ। और इससे मिलते जुलते दूसरी गतिविधि हमें कराए। तो वो जो दो प्रकार की चीजें, कुछ प्लेट्स हैं और कुछ चम्मच हैं, तो हर प्लेट में एक एक चम्मच रखने को बच्चे को कहें। और आप देखिए किस तरह से रखता है। उसने एक चम्मच यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, उसने फिर एक यहाँ रख दिया और एक चम्मच यहाँ रख दिया। तो हम देखते हैं कि जितनी कटोरियां थी उन सब में चम्मच रखे गए और फिर भी एक चम्मच बच गया। अब आप उससे सवाल कर सकते हैं कि जितनी कटोरियां थी क्या उतने चम्मच थे, क्या सभी कटोरियों में चम्मच रखे जा सके, क्या चम्मच बच गए, क्या कटोरियां खाली बच गई। बहुत तरह के प्रश्न उनसे आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है एक एक संगतता का। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपके सामने स्पष्ट हो रही होंगी। आप इस तरह की दूसरी गतिविधियां भी बनाकर उनके सामने काम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक एक संगतता का आपके सामने और रखना चाहूंगा, जो चीजें मेरे पास मौजूद हैं और जिस पर पहले से हम काम कर रहे थे। ये कुछ पेंसिल्स हैं और ये कुछ शार्पनर हैं जो पेंसिल छीलने के काम आते हैं। ये मैंने रख दिया और फिर से प्रश्न किया कि हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, कुछ पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल छीलने वाला उपकरण है जिसको हम शार्पनर कहते हैं। अब आप बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सा कम है। तो अगर बच्चे को अभी गिनती नहीं आ रही है तो वो देख के अनुमान लगाएगा कि ज्यादा कौन सा दिख रहा है। फिर हम कहेंगे चलो एक काम करते हैं, हर पेंसिल के साथ एक एक शार्पनर रखते चले जाएं। फिर हम देखेंगे क्या सभी पेंसिलों के लिए पूरे शार्पनर रखे जा सके या कुछ पेंसिलें बच गई। ये एक पेंसिल और उसके साथ एक शार्पनर, ये दूसरे पेंसिल और ये दूसरा शार्पनर, ये एक और पेंसिल और एक और शार्पनर, फिर एक और पेंसिल और एक और शार्पनर हमने रख दिया, फिर एक पेंसिल रखी और एक शार्पनर और रख दिया उसके साथ। तो हम देख रहे हैं कि जितनी पेंसिलें थी उतने शार्पनर रख दिए गए
लेकिन फिर भी शार्पनर हमारे पास बच गए जो पेंसिल के अतिरिक्त हैं। तो यहाँ पर बच्चा बता सकता है कि जो पेंसिल छीलने का उपकरण है वो पेंसिल की संख्या से अधिक है, या शार्पनर की संख्या पेंसिलों से अधिक है, या पेंसिलों की संख्या शार्पनर से कम है। तो से कम, से ज्यादा या बराबर, जैसे नए शब्द, नए शब्दावली बच्चे के दिमाग में आती है और वो अपने संदर्भों के साथ कहाँ हमको उपयोग करना है। यहाँ पर कह सकता है कि शार्पनर की संख्या पेंसिल से ज्यादा है या पेंसिलों की संख्या शार्पनर से कम है। अगर यहाँ पर केवल इतने ही शार्पनर, इतनी पेंसिल होती तो कह सकते थे कि शार्पनर की संख्या और पेंसिल की संख्या बराबर है, या जितने शार्पनर हैं उतनी पेंसिलें हैं। तो देखिए इस तरह से इन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चे का इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, उसे लगता है कि हाँ वो कुछ खुद से कर रहा है और सही कर पा रहा है। इसके साथ साथ वो भाषा का उपयोग गणित के संदर्भ में करता है, और यदि बातचीत से पता चलता है कि वो कुछ शब्द सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो हम उसको अभ्यास करने का मौका या प्रश्न पूछकर या बताकर बात करने के मौके दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बात करके वो चीज़ों को, भाषा को समझ सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो साथियों ये कुछ उदाहरण थे, कुछ छोटी छोटी गतिविधियां थी जो हम अपने आसपास की चीजों के माध्यम से बच्चे के साथ बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और यकीन मानिए गणित की शुरुआत जब आप इस तरह से करेंगे तो बच्चों को ये एहसास होगा कि गणित में वो सारी चीजें मौजूद है जो मैं कर सकता हूँ, और ये आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ यदि बच्चे के मन में शुरू से हम पैदा करेंगे तो गणित कभी भी उसको डरावना नहीं लगेगा, कभी भी भयानक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने वही किया है जो उसके अनुभव में पहले से मौजूद था। और उसने भाषा के नए शब्द को सीखे, उनका इस्तेमाल उनके संदर्भों में करना सीखा, और इन सब के साथ साथ उसके अंदर आत्मविश्वास का भी विकास हुआ। तो ये कुछ छोटी छोटी गतिविधियां थी, ऐसी अनेक गतिविधियां आप बना सकते हैं और कई तरह से उनको लेकर के बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रयास थे मेरी तरफ से। यदि कुछ साथी प्रश्न करना चाहें तो मैं उनके प्रश्नों को आमंत्रित करता हूँ। सैंतीस अड़तीस शिक्षक जुड़े हुए हैं, आपने भी देखा सर एक एक संगतता के माध्यम से बहुत अच्छे से वर्गीकरण भी सर बताए और कम ज्यादा को भी बताया सर। तो बच्चों में अवधारणा विकसित हो जाएगी तभी जाके वो तीन चार पांच में कौन ज्यादा है कौन कम है बता पाएंगे। तो जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि सर ऑनलाइन प्रोग्राम में भी गतिविधि के माध्यम से ही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अपनी कक्षाओं में पुस्तकों के चित्रों के माध्यम से ही बताने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से मूर्त वस्तुओं के माध्यम से जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, उनको बहुत आसान लगता है। सर ने आसपास की वस्तुओं का सहारा लेकर ही बहुत अच्छे से अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं कृपया आपके साथ यदि कोई समस्या आ रही है गतिविधि में या बच्चों की समझ में तो आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं अपने सवाल के लिए, या कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक हमारे इस वेबिनार से कम से कम अभी फिलहाल 36 शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो किन्हीं के मन में कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल कुल आप सादर आमंत्रित हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गतिविधि के माध्यम से हम अपने गणित को कितना सरल बना सकते हैं। ये बच्चों के मन में धारणा बनी होती है या पालकों के मन में कि गणित विषय बहुत कठिन होता है, तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी सहजता और सरलता से गणित को सीख सकते हैं और कितना मनोरंजक है गणित सीखना। शायद इतनी सारी गतिविधियां और किसी विषय में नहीं होती है। तो बिल्कुल स्वागत है, आप आमंत्रित हैं इस कुछ भी सवाल पूछने के लिए
सर श्रीवास्तव सर जी बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ये आपके कुछ अनुभव तो भी शेयर कर सकते हैं। शंकर लाल टेकाम जी, आपको सवाल पूछना चाहते क्या? का माइक कौन हो गया है? सर जी लगता है कि अभी शिक्षक सवाल अभी नहीं पूछ पाएंगे, कुछ सोच ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ कोई एक एक शिक्षक आए हैं, नाम बताइए मैडम अपना। सर मेरा नाम श्रुति है और मैं स्वामी आत्मानंद जशपुर स्कूल से हूँ। सर मेरा इस गतिविधि को लेके कोई सवाल तो नहीं है, बहुत ही अच्छी गतिविधि सर ने बताई है। बस मुझे ये जानना था क्योंकि हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और ऑलमोस्ट 48 बच्चे एट ए टाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो इतने सारे बच्चों के साथ ये गतिविधि मैं कैसे, क्योंकि मैं ये गतिविधि करती हूँ क्लास में, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को मॉनिटर करना एट द सेम टाइम मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और ये गतिविधि करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 बच्चों को एक साथ इन्वॉल्व कर सकती हूँ। तो ये एक तरीका अगर सर बता देते कि अगर ज़्यादा बच्चों के साथ ये गतिविधि करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, कि सर ये गतिविधि मैं करना चाहती हूँ और मैं अभी कर भी रही हूँ, बुक्स को लेके, पेंसिल रबड़ ये सब चीज़ों को लेके मैं क्लास में करती रहती हूँ, स्टोन्स को लेके, पेबल्स को लेके, लेकिन बहुत सारे बच्चे होने की वजह से मैं सबको मॉनिटर नहीं कर पाती हूँ एट द सेम टाइम। तो उसका एक तरीका अगर सर बता देते, क्योंकि मैंने ऐसा भी किया कि मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करके भी बच्चों के साथ कोशिश की कि मैं ऐसी कोई गतिविधि कर पाऊँ, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाया सर। तो ये ठीक है श्रुति जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और एक स्वाभाविक सवाल आपने पूछा है। इसका एक तरीका है कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप बनाएं और 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के साथ बच्चों को लेकर के काम करें, और हर ग्रुप के साथ आप चाहें तो कुछ अलग तरह की चीजें दे सकते हैं। जब बच्चों के साथ आप इस तरह से काम करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे भी समझ जाएंगे कि एक्टिविटी कैसे बनाई जा सकती है, और एक बार जब आपने कोई चीज करी उसको दूसरे अगली बार फिर अगले बच्चे अगले समूह को दे दें, फिर अगले समूह की गतिविधि को उसके बाद वाले समूह को दे दें, तो ऐसा करके आप अपने काम को अच्छे से कर सकती हैं। मतलब ये है कि आपको थोड़ी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, 4-5 सेट कम से कम बनाने पड़ेंगे, और 4-5 सेट बनाने के बाद फिर अलग अलग बच्चों को उसको देना होगा और फिर थोड़ा सा उसको अरेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चे उनके साथ काम करें। धीरे धीरे करते हुए आप महसूस करेंगे कि जब बच्चों की संख्या जब बड़ी होती है, ज्यादा होती है, तब ये सारी चीजें कराई जा सकती है। तो ये चीजें संभव हैं बड़ी क्लास में भी, बस यही है कि आपको थोड़ी पहले तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों के ज्यादा सेट्स बनाने पड़ेंगे और बच्चों को रोटेशन में इस काम को कराना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए आपके पास 50 बच्चे एक बार में मौजूद रहते हैं, आप 10 ऐसे सेट बनाएं जो अलग अलग जगह पर रख देते हैं और हर समूह से कहें कि आप एक जगह पर बैठो और इस तरह से उनको नंबर दे दीजिए, समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 10, और हर 10 जगह पर आपने जो व्यवस्थाएं की है उनको जगह बैठने दीजिए। अब बोले कि 5-7 मिनट आप इस पर काम करो, उसके बाद आप बोले कि समूह 1 वाले समूह 2 में चले जाएं, 2 वाले 3 में चले जाएं, 10 वाला 1 में आ जाए और वहां पर जो सामग्री रखी है उनके साथ उपयोग करो, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था बनाएंगे तो ये चीजें पॉसिबल हैं। और यदि आपके साथ आपके स्कूल के दूसरे शिक्षक साथी हैं तो आप उनके बच्चों को भी अपने साथ शामिल करके बड़े समूह में भी 2 लोग मिलकर काम करा सकते हैं। चीजें हो सकती हैं, संभव हैं, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, और बच्चे जब धीरे धीरे इन चीजों को सीखने लगते हैं, जब उनको उससे परिचित हो जाते हैं, तो फिर बगैर शिक्षक की मदद के भी हमारी अनुपस्थिति में भी वो चीजें उनके द्वारा की जा सकती है। थैंक यू सर। कोई और सवाल हो किसी का? हाँ सर। जी मैडम, जी प्रणाम जी। हम अंबिकापुर से बोल रहे हैं, प्राथमिक शाला गांधी। बोलिए। समय समय पर ऐसे ही मार्गदर्शन सर का मिलता रहे। हेलो
हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर प्रणाम, हम अंबिकापुर से बोल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। समय समय पर ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता है। एक्टिविटीज हो रही थी जी, जरूर हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते रविवार के दिन ऐसे 12 से 1 बजे बैठें और इन पर चर्चा करें। और आपके कुछ सुझाव हो तो आप दे सकती हैं, चीजें आपको समझ में आई कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा और ऐसे ही मिलता रहेगा। जी जी जी, धन्यवाद। और कोई शिक्षक साथी? चलिए ठीक है संजय, मुझे लगता है कि शायद और कोई सवाल नहीं है। जी सर, सभी साथियों को धन्यवाद और मेरा नमस्कार। अगली बार जब हमारी बैठक होगी तब हम देखेंगे कि जब हम गिनती करना शुरू करते हैं, चीजों को गिनना शुरू करते हैं, बच्चे के साथ जब गिनती को लेकर काम करते हैं, तो ये जो अवधारणाएं हमने सीखी हैं वो कैसे गिनती सीखने को प्रभावित करती है और गिनती करना मतलब क्या। अक्सर हम कक्षाओं में देखते हैं कि जब कक्षाओं में जब गणित की शुरुआत होती है तो बोर्ड पे गिनती लिखने से होती है, तो हम यहाँ पर भी वहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे क्या गिनती लिखना ही गिनती सीखना है, क्या गिनती लिख लेने मात्र से बच्चा गिनती सीख जाता है, या गिनती सीखने का मतलब कुछ और होता है, और यदि वो कुछ और होता है तो वो कुछ और क्या है। तो ये सारी चीजें हम गिनती की प्रक्रिया के दरमियान सीखने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि इस एक हफ्ते के दरमियान जो चीजें आज आपने की हैं उनको अपने कक्षा के बच्चों के साथ एक बार प्रयोग करके देखिए, तो चीजें ऐसे देखने में तो बड़ी मजेदार लग सकती हैं और हमको लग सकता है कि हाँ बड़े काम की चीज है, लेकिन कक्षाओं में जब हम करते हैं तब इसकी वास्तविकता हमारे सामने आती है। और जो चीजें हम जो धारणाएं बना रहे हैं उससे अलग धारणा भी बन सकती है, वो धारणा इससे अच्छी भी हो सकती है और ये भी हो सकती है कि हाँ चीजें काम नहीं करती, तब फिर हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या परिवर्तन करें। ये जो गतिविधि यहाँ पर दिखाई जा रही है उसे जब हम अपने कक्षा में करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार का बदलाव की जरूरत है, ये तब समझ में आता है जब हम बच्चों के साथ इनको लेकर के काम करते हैं, तो हमारी अपनी खुद की समझ भी बनती है और बच्चों की समझ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बनती है जब हम ऐसी चीजें उनके पास लेकर जाते हैं, उनको काम करने के मौके देते हैं, उनको बात करने के मौके देते हैं, तब कुछ और चीजें निकल के आती हैं।